हेलो गाइस, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठा। अगर आपका भी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो झटपट से बनाइए ये रेसिपी। इस रेसिपी से देखो ये कितनी अच्छी मिठाई बनी हुई है। सिर्फ चीनी और सूजी से बनानी है आपको, और कुछ इसमें लगाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हमें हमें पहले पकानी है चाशनी। ये देखो हमने इसमें 1 कटोरी चीनी ली है, 1.5 कटोरी इसमें पानी डाला है। ऐसे हमें अच्छे से पका लेनी है, ना ज़्यादा वो अंदर हमें कोई तार नहीं खींचने की ज़रूरत है, सिर्फ चिपचिपी सी करनी है। हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच घी। उसमें 1 कटोरी डालेंगे हम सूजी। सूजी 1 कटोरी हमने ली थी सूजी, उसमें डाली है 1.5 कटोरी हमने डाला है इसमें दूध। आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल सकते हो और दूध भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप दूध से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हल्के ही भूनना है। ये देखो तो भून के तैयार हो गई है। अब हमें इसे थोड़ी देर, देखो ये कितनी अच्छी हो गई है, मिक्स हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसे थोड़ा सा घी लगाएंगे अपने हाथों पर और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ताकि ये चिपके ना, चिपचिपी ना हो। इसे हम ऐसे ही गूंथेंगे, गूंथ कर कुछ देर के लिए हम इसे रख देंगे। ये देखो इस तरीके से हमें इसे गूंथना है, आटे की तरह गूंथना है। बहुत अच्छी बन जाती है ये गूंथ के, ताकि इसमें कोई, ये देखो कितनी अच्छी हो गई है गूंथने से। हमें सिर्फ इसे नींबू की तरह लोई लेनी है, ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी भी हो जाएगी तो। ये हमने इसमें ली है नींबू की तरह लोई लेनी है बस। ये देखो हमने गोल गोल वे बना के रख दिए हैं, और हमें सिर्फ हाथ से इसे चपटा सा करना है। हमने ली है एक कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है हमने ऑयल। हमने सारी पेड़ियाँ बना कर रख ली है, ऑयल में हम डाल रहे हैं इनको एक एक। देखो ये होने लग रही है, पकने लग रही है अच्छे से, रेड रेड, देखो रेड रेड हो रही है धीरे धीरे। हमें ज़्यादा ब्लैक नहीं करनी है, सिर्फ रेड रेड सी रखनी है, ब्राउन ब्राउन करनी है। देखो हो गई है ये कुछ, अब हम इनको निकाल लेंगे। ब्राउन हो गई है, हमारी चाशनी हो गई थी दोस्तों ठंडी, तो इसलिए हमने रखी हुई है गरम, थोड़ी गरम की है। हम इसमें गरम उतारते ही डालेंगे। देखो ये गरम 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 में डाल रहे हैं हम चाशनी। ये बन के तैयार हो गई है, इसके अंदर चाशनी बहुत अच्छे से भर चुकी है, हम निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो वीडियो को चैनल का सब्सक्राइब करें।